जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। कुकू FM सुन रहे हैं आप, सुने जो मन चाहे। और मैं कौन, कनक, स्लाइस ऑफ लाइफ लेकर। अच्छा, संतरा खाना पसंद है आपको क्या? तो फिर तो आप पक्के वाले एक्सपीरियंस्ड होंगे कि संतरे का छिलका छीलते ही हमें पहली स्लाइस मुंह में डालते ही पता लग जाता है कि ये संतरा खट्टा निकलेगा कि मीठा। बट काश लाइफ भी संतरे के स्लाइसेस की तरह होती, प्रेडिक्टेबल। बट नहीं, यहाँ तो कभी खटास, कभी मिठास, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सक्सेस तो कभी फेलियर्स। मतलब कुल मिला के एक ऐसी पेंटिंग जिसमें इस दुनिया में जितने भी कलर्स हैं ना, उस सारे के सारे कलर्स, उनके सारे शेड्स उसमें समाये हुए होते हैं। तो बस कुछ ऐसी ही जिंदगी की खट्टी मीठी, आपकी मेरी, इन ढेर सारी बातों के लिए। जिंदगी का एक टुकड़ा, ये शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं। बट ऑब्वियस आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो ना। मैं हूँ आपके साथ खनक, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। और ज्यादा एक्सपीरियंस होने से मेरा मतलब आप अनमैरिड लाइफ भी देख चुके होते हैं और आप मैरिड लाइफ भी देख रहे होते हैं। तो आप एटलीस्ट किसी दूसरे को, जो कि अपना नया कदम रखने वाला होता है, एटलीस्ट आप उसको आगाह तो कर सकते हैं कि भैया ये मंजिल बड़ी है मुश्किलों वाली, इधर खाई और उधर कुआं, तो सोच समझ के चलना। अच्छा वैसे एक चीज है, इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि हर वो शख्स जिसे शादीशुदा जिंदगी में एंटर करना होता है, एक दिली इच्छा रहती है कि कभी भी हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। मतलब एकदम लवी डवी रिलेशनशिप रहे। मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ये मिसाल दें कि भाई जोड़ी हो तो ऐसी होनी चाहिए। बट ऐसा होता कितना है, वी नो द रियलिटी। फिर भी कोशिश जरूर रहती है कोई तो सीक्रेट मंत्र मिल जाए। तो चलो इसी बात पे ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत मजेदार है। एक मियाँ बीवी की शादी को 60 साल हो गए थे। एंड यू नो 60 सालों में उन्होंने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, हर बात शेयर करते थे, बस एक सीक्रेट को छोड़कर जो कि उस बुजुर्ग महिला ने अपने पति से छुपा रखा था। वो सीक्रेट था एक शू बॉक्स, जूते का डब्बा, जो उसने अलमारी के ऊपर रख रखा था शादी के डे 1 से। और कह रखा था अपने पति को कि जब तक मैं ना कहूँ आप इस जूते के डब्बे को हाथ नहीं लगाएंगे। पति ने भी वही किया। एक दिन की बात है, बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आपने जो कहना सुनना है आपस में कह लीजिए, हो सकता है आपको आगे वक्त ना मिले। तो पति को लगा यही सही समय है, वो जो जूते का डब्बा जिसे मैंने शादी के 60 सालों तक हाथ नहीं लगाया, उसमें आखिर है क्या या फिर उसका सीक्रेट क्या है, ये एटलीस्ट जान तो लूँ। ऐसा सोचकर वो जूते का डब्बा लेकर आए अपनी बीवी के पास और बोले, अब तुम मुझे बता ही दो कि आखिर इस डब्बे में है क्या जो कि तुमने मुझसे इतने सालों तक छुपा के रखा है। इस पर वो बुजुर्ग महिला बोलती है, आप इस डब्बे को खोलिए, देखिए इसमें क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति ने डब्बा खोला, उसमें देखा तो 2 डॉल्स थी, गुड़िया एम्ब्रॉयडरी की हुई, बहुत खूबसूरत, और साथ में थे 1.5 लाख रुपए। ये देखकर वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बस यही काम था, ये क्या, तुम इतने सालों तक यही चीज मुझसे छुपा रही थी, इसका क्या मतलब है, ये गुड़िया, ये पैसे, ये क्या माजरा है। इस पर वो महिला बोली, आपको पता है जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मेरी नानी ने मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ का एक सीक्रेट बताया था कि जब भी पति पर गुस्सा आए, उससे बहस या फिर लड़ने के बजाय अपना सारा ध्यान गुड़िया को डेकोरेट करने में, उसकी एम्ब्रॉयडरी करने में लगा देना। ये सुनकर पति बड़ा इमोशनल हो गया, कहता इतने सालों तक सिर्फ 2 ही बार मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इसके आगे वो बुजुर्ग व्यक्ति पूछते हैं, अच्छा गुड़िया का राज तो ठीक है, लेकिन ये पैसों का सीक्रेट, ये क्या है, ये 1.5 लाख रुपए ये कहाँ से आए। इस पर उसकी बीवी ने कहा, ओ ये तो मैंने उन ढेर सारी डॉल्स को बेचकर कमाए जो कि इस दौरान मैंने बनाई थी। जिंदगी का एक टुकड़ा, आ चख ले जरा। जिंदगी का एक टुकड़ा,
चख ले जरा, आ चख ले जरा।